वांग चक्र दुर्भयशा कृपासिंधु भयोच पतितानां पानव वैष्णव नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद त्रियदविद गदाधर श्री वसादि गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे इस जापा सत्स में उपस्थित आप सभी वैष्णवों को कोटि-कोटि नमन हरे कृष्णा दंड प्रणाम <coughs> प्रभु यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हरिनाम महिमा के सब जैसे पावन विषय पे मुझे दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है यह सब आप सभी वैष्णव की कृपा और गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ प्रभु एक बार यूएस में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में मुसलमान आए अपने तलवार के दम पे उन्होंने क्या किया मुसलमान जो भी भारत में आए वो अपने तलवार के दम पे रिलीजन चेंज कराया अंग्रेज आए अंग्रेज आए उन्होंने अपने पैसे और एजुकेशन के बदौलत उन्होंने रिलीजन चेंज करना चाहा लेकिन बोले नहीं ना तो मेरे पास तलवार है ना धन है और ना ही मैं उतना यंग हूं कि मैं किसी को फोर्स कर सकूं मैं जो यहां लेकर आया हूं वो सिर्फ हरिनाम लेके आया हूं जिसके बदौलत मैं आप लोगों को मन में परिवर्तन करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे तो ये हरिनाम का इतना ताकत है प्रभु कि उन्होंने विदेश में भी जाकर सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में जाकर पूरे दुनिया में इस हरिनाम का प्रचार किया इतनी बड़ी महिमा है प्रभु हरिनाम की उसके बाद प्रभु लाल गोविंद दास प्रभु एक लेक्चर में उनका सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि जो इस कलयुग में हमारा जो मन है ना एक शराब की भरी हुई बोतल की तरह है जो पूरी तरह दूषित है कलमेश भरा हुआ है आप इसको गंगा में डुबा लो जमुना में डुबा लो कहीं भी डुबा लो ये दूषित का दूषित ही रहेगा इसको हम शुद्ध कैसे करेंगे पवित्र कैसे करेंगे तो सिर्फ हरिनाम के बदौलत तो इसीलिए हमको हरिनाम का नाम लेने से ही ये हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम भगवान के पास जाएंगे और इस भाव सागर से तरह के हम गोलोक वापस जा सकेंगे इसके आगे लाल गोविंददास प्रभु बोलते हैं कि हरिनाम में इतना पावर है इतना ताकत है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार आप संकल्प ले लो तो उससे हमारे सारे कल मन के दूर हो जाते हैं कैसे किसी जंगल में अगर कोई सिंह एक बार गर्जना करता है तो उसके डर से सारे जानवर अपने अपने घर में छिप जाते हैं ठीक इसी तरह अगर हम संकल्प ले ले कि मैं कल से हरिनाम करूंगा तो हमारे जितने भी कलयुग के जितने भी कलमेश हमारे मन में है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे इसके आगे प्रभु लाल गोविंद दास प्रभु बोलते हैं कि अगर आप हरिनाम का हरिनाम कर रहे हो तो आपका यमराज का दर्शन नींद में भी नहीं होगा जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको वैष्णव लोग के वैकुंठ के लोग के ले, आपको लेने के लिए आएंगे आपको यमराज नाम का दर्शन भी नहीं होगा इसके आगे प्रभु मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हरिनाम लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला है आध्यात्मिक विकास अगर आप नियम से अपराध सुन होकर दोष मुक्त होकर अगर आप हरिनाम हरिनाम करते हो तो आपका आध्यात्मिक जगत में आपका विकास होगा इसके लिए बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण है ध्रुव महाराज है प्रहलाद महाराज है जो हमारे इतिहास में आपको ज्वलंत उदाहरण है इसके बाद प्रभु अगर आप हरिनाम लेते हो आपके दुनिया के जितने भी इच्छाएं हैं कोई इच्छाएं नहीं मैं सिर्फ इच्छाएं की बात कर रहा हूँ जो वैलिड है वो आप भगवान आपके आपकी पूर्ति करेंगे चाहे वो धन हो दौलत हो नौकरी हो कुछ भी किसी भी तरह का हो हरिनाम में इतना पावर है प्रभु उसके बाद प्रभु अगर आप हरिनाम लेते हो मान लीजिए मैं अगर अपने पिताजी का ही नाम बार बार लेता हूँ सुबह शाम उठते बैठते तो वो पिताजी मुझ पर बहुत खुश होंगे बोले अरे ये तो लड़का अच्छा है हमेशा मेरा नाम लेता रहता है अगर इसी तरह आप अगर हर, हमेशा हरिनाम लेंगे हरिणाम करते रहेंगे तो भगवान भी आप पे खुश आ, खुश रहते हैं परसं, प्रसन्न प्रसन्न रहते हैं जिससे उसके आपकी असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है उसके बाद प्रभु जितने भी सांसारिक बाधाएं हैं चाहे आध्यात्मिक बाधाएं हैं वो हरिनाम से आपके दूर हो जाएंगे ऐसा इतना पावर है भगवान इसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है भक्त प्रहलाद उनके पिताजी ने उनको कितना कष्ट दिया लेकिन वो हरि हरिनाम के बदौलत ही सारे कष्ट को हंसते हंसते पार कर गए उसके बाद प्रभु इस सारे नाम में इतना पावर है आपको श्री कृष्ण के दर्शन भी हो सकते हैं इसके अलावा सारे बहुत सारे हमारे सीनियर वैष्णवों ने इश्यूज को फील भी किया उन्हें कृष्ण जी आके सपने में मिलते थे बात भी करते थे हरिनाम में इतना पावर है प्रभु उसके बाद प्रभु जितने भी हमारे आसपास नकारात्मक शक्ति है उनका नाश हरिनाम के द्वारा ही होगा इसके लिए एक आ, अमोघ लीला प्रभु एक बहुत छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूँ प्रभु उन्होंने कहानी सुनाया था एक नया नया डिवोटी ज्वाइन किया था उनको सेवा दिया गया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वो जगह मैं नाम भूल रहा प्रभु लेकिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही कर रहे थे तो बोलते हैं जितने अच्छे लोग होते हैं उससे डबल बुरे लोग भी हो जाते हैं तो उसी में कोई उस कॉलेज के सामने वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे भगवत गीता तो उसमें से एक शैतान को स्टूडेंट था वो गाड़ी से उधर से आया उसको लात मार के गिरा दिया अब वो प्रभु जी गिर गए उनके गीता उधर फैल गए

दुरूने लगा बोला ये चेंजेस कहां से आ गए छे महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो परिवर्तन हुआ हुआ चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हरिनाम के चलते ही हुआ वो अपने आप में बहुत फील कर रहा था था कि मैं कितना शॉर्ट लेकिन आज हरिनाम के बदौलत ही मेरे में इतना चेंजेस आ गया इसके बाद प्रभु बहुत सारे हमारे जो सीनियर वैष्णव थे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई सिर्फ और सिर्फ इस हरिनाम के चलते ही ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे और प्रभु बोलते हैं कि अगर हरिनाम कंटिन्यू करते रहते हैं अपराध शून्य होकर तो हमें पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है लोभ मोह मत्सर ये सब हमारा दूर चला जाता है हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और हम भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं और अंत काल में अगर हमें स्मरण हो जाती है तो हम इस दुनिया को तर करके बैकवुंड लोग वापस भी चल जाते हैं एक डिवोटी ने ऐसे प्रभुवाद से पूछा कि प्रभुवाद आप लोग हरिनाम लेते हो हम भी मरते हैं कहने का मतलब उनका डिवोटी भी मरते तो फिर फर्क क्या है हरिनाम करने का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं बोलता है एक मदर कैट होती है ना जब वो चूहे का हंट करती है तो अपने दांतों से उसको बहुत बुरा इंजर्ड करती है लेकिन वही अगर वो अपने बच्चे को जब उठाती है तो उनके बच्चे कोई हर्ट नहीं होता है तो यही हमारे साथ भी है अगर हम हरिणाम कर रहे हैं तो हमारे साथ में हमारे साथ हमारी जो मृत्यु होगी वो अच्छी तरह से होगी हमें अच्छा मतलब अगला जीवन मिलेगा या हो सकता है वैकुंड लोग भी मिल जाए अगर बहुत शुद्ध हो जाए लेकिन नॉन डिवोटी के साथ ऐसा नहीं है प्रभु उनके साथ यमराज आएंगे उनको बहुत पड़ता करेंगे उसके बाद हो सकता है उसको अगला शरीर तो और भी खराब मिले तो ऐसा प्रभुवाद ने बहुत ही अच्छा उदाहरण देके उन्होंने समझाया था कि डिवोटी नॉन डिवोटी में क्या फर्क होता है उसके बाद प्रभु एक और मैं छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगा एक कोयल थी जो बहुत ही सात्विक थी बहुत ही सात्विक भगवान को सुबह शाम याद करती थी और संध्या का टाइम हुआ तो बारिश होने लग गई तो एक जंगल में आके वो रुकी वहां कुछ कौवे पहले से थे वो थोड़े क्रप्रिवृति टाइप के थे वो भगवान उनको मानते नहीं थे और इस कोयल से जलते भी थे तो वो आके बैठी शेल्टर लेने के लिए तो कौवे ने उन्होंने क्या किया तंग कर दिया बोला आप यहाँ से जाओ बोले क्यों मुझे बारिश हो रही कहीं और जगह नहीं मुझे रहने दो तो यहाँ बोला नहीं, नहीं 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 आप यहाँ से चल जाइए हम आपको यहाँ हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे बोला क्यों बोला भगवान को याद करते हम लोग नहीं करते इसीलिए तो वो वहां से कोयल उड़ के चल गई दूसरी जगह रात में ऐसा हुआ बिजली कड़की सारे कौए पे ही गिरी और वो सारे वहां इंजर्ड हो गई उधर दूसरी तरफ कोयल जहां स्टे कर रही थी वहां पर एक पेड़ का डाल भी गिरा और वहां ऐसे करके सेल्टर बन गया उसमें जाके कोयल आराम से रात भर सोई आराम से आराम की फिर जब सुबह हुआ वो उठ के बाहर आई तो देखे पूरा कौलों का ये हाल है तो वो बोलिए अरे तुम कैसे बच गए हम तो इतना बुरा इंजर्ड हो गए ये हो गए हो गए बोला देखिए मैं जब जहां सेल्टर ली वहां मैं भगवान हरि का नाम ले रही थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ मुझे भी मिल गया और आराम से रात भी हो गया और आप लोगों ने ऐसा नहीं किया इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ प्रभु इसके साथ ही आ, मैं अपना जापाडॉक समाप्त करता हूँ और जो भी इस जीवा से न्यूनता या अधिकता हुई उसके लिए क्षमा क्षमाती हूँ और आप सभी वैष्णवो से मैं नम निवेदन करता हूँ कि माधव मोहनी माता के लिए प्रार्थना करे की वो जल्दी से जल्दी रिकवरी करे और मुझे बहुत प्राउड फील है कि मैं भक्ति विक्षा जैसे से जुड़ा हूं और आशा करता हूं आप लोग का कृपा बने रहे ताकि हम सभी भक्त विक्षा वाले भक्त आगे ऐसी प्रगति करे कृष्णा भावना भक्ति मार्ग में हरिकृष्ण धन